मिक्स होते हुए अपनी चेक ये कर दो लेते सीखी हो गई हैं। आहा पानी से धो ले। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और मैं अभी आधे घंटे पहले उठा हूँ नहा वहा के। अभी सीन ये है कि मुझे जाना है कॉलेज, वहाँ पे मुनीब भाई आ रहे हैं, मुझे फॉर्म जमा करवा के मुनीब भाई से मिलके और नाश्ता वगैरह करके फिर वापसी कराना है। और रात में बारबेक्यू का सीन है, तो मुनीब भाई ना वहाँ पे काफ़ी आधे घंटे से वेट करें मेरा, बोल रहे हैं आ जा भाई कहाँ रह गया यार। फिर मैं नहाने चले गया था, मैंने बोला बस आ रहा हूँ 5 मिनट में, तो वहाँ पे वेट कर रहे हैं, बस हम लोग निकलते हैं बस थोड़ी देर में। यहाँ पे थोड़ा सा चाय पी के ताकि अम्मा को भी तसल्ली हो जाए कि अंदर नाश्ता करके गया। अभी इस वक्त अम्मा और मैं यहाँ पे चाय पी रहे हैं, मैं केकर्स खा रहा हूँ और अम्मा पापे खा रहे हैं। अभी अभी मुनीब भाई कॉल आई है, मुनीब भाई बोल रहे हैं कि अंदर से यार कॉलेज तो बंद है बारिशों की वजह से, और अब कह रहे हैं कि मंडे को खुलेगा तो तू मंडे को आ जाइयो। मैंने बोला चलो सैटरडे को, ऐसा मसला नहीं है, मंडे को फॉर्म जमा करा देंगे, तो कह रहा है ठीक है। अरे अनस भैया एकदम से इतना चेंज। तो यार अगर मैं तुम लोगों को टू बी ऑनेस्टली बताऊँ ना, तो मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा सुकून आ गया है ये करवा के, क्योंकि बड़े बाल देखो मुझे पर्सनली पसंद है, लेकिन एक फैक्ट है बड़े बालों में ये होता है कभी कभी आप इनसिक्योर फील करने लग जाते हो, सिर्फ इसलिए कि कभी आप कहीं गए और बाल नहीं बने हुए तो इनसिक्योर सा फील होता है। तो इस वजह से मुझे बड़े बाल थोड़े बुरे भी लगने लग गए थे, और मुझे बड़े रखने थे, मुझे यहाँ यहाँ तक के करने थे, और यहाँ तक तो मेरे अच्छे खासे हो ही गए थे, बट अब वो नसीब में नहीं था। लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, और बहुत लोगों ने भी बोला कि अच्छे लग रहे हो ये वो। अब मुझे काफ़ी ना सकून सकून सा महसूस हो रहा है, तो आप लोग भी मुझे नीचे कॉमेंट करके बताइएगा कि मैं कैसा लग रहा हूँ। आई नो मैं अच्छा लग रहा हूँ, पता है मुझे। अच्छा भाई, बारबेक्यू के लिए हमजा और मिनाज भी आ गए, मैंने इन लोगों को 4 बजे की टाइमिंग दी थी, लेकिन ये लोग आ रहे हैं 6 बजे। खैर अभी हम लोग को जाना है जुबैर के घर पे, वहाँ पे मैंने अपना बारबेक्यू गोश्त रखवाया हुआ था, वो लेकर बस आना है, तो फिर हम लोग उस पर मसाले वगैरह भी तो लगाएंगे ना, फिर 12-1 बजे फिर बारबेक्यू स्टार्ट भी करनी है। हम लोग आ गए हैं जुबैर के घर पर, गोश्त हम लोगों ने ले लिया। अभी इस वक्त टाइम हो रहा है 10:30 रात के, और यहाँ पर हमारा बारबेक्यू गोश्त भी आ गया है, ये अभी आधा मेरा है, बाकी हमजा लेकर आएगा। आज भाई यहाँ पे गोश्त काट रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सामान भी लेके आ गए हैं, ये एक पाव दही, टेंडराइजर है, और ये टिक्का है, मसाले हैं ये दोनों ना, बाकी हमजा भी आ रहा है, जुबैर भी, रामेश भाई और हुज़ैफ़ा, इन लोगों को आने में टाइम लगेगा, ये लोग फ्री हैं आराम से, हम लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं बच्चा, और आराम से आएंगे गोश्त खा के फिर घर चले जाएंगे, इनका ये है। भी सही कट रहे हैं, कट रहा है जो भी कट रहा है। मुझे एक कसम से खड़े खड़े आधा घंटा हो गया, एक बोटी चल रही। मेरा बेटा ऐसे तो आधा एक घंटा हो जाएगा, क्या कर रहे हो, 12 बज जाएंगे, 10:30 तो अभी हो रहे हैं, ऐसी है मेरे घर में छुरी। और बिल्कुल मैं एकदम रूखा गोश्त लेकर आया हूँ, यहाँ पे भले थोड़ी सी चर्बी लगी हुई है लेकिन ऑलमोस्ट गोश्त ना रूखा ही है, ये मैं ऐसे पकड़ पकड़ के खाना पड़। फाइनली गोश्त हमारा यहाँ पे कट गया, मैंने बहुत मेहनत से काटा है, वरना तो मिनाज भाई से यहाँ पे कट नहीं रहा था। हम दोनों से कट नहीं रहा, फिर मम्मा आई, मम्मा ने बोला लाओ मुझे तो फिर मैं काटूंगी, तो हमारा गोश्त फाइनली कट गया। मिनाज भाई एक एक गोटी लेके काटते थे। अब मिनाज अब ये मसाला डाल लेते हैं और फिर वो टेंट डाल देते, ठीक है। ये हमारा मसाला लग रहा है, मुंह में पानी आते हुए ये देखो कैसे टपक है। अब हमारा इसमें डलेगा टेंडराइजर, गोश्त गलाने के लिए होता है बेसिकली, और डलेगा मिनाज, और डलेगा बस थोड़ा सा, बस बस अब ये होगा मिक्स, कितना प्यारा हो गया है माशाल्लाह से। हुज़ैफ़ा भी आ गया है भाई, दही आ जाओ हुज़ैफ़ा। अबे मुझे कदाई कसम नहीं पता था कि ये रखा हुआ है। हुज़ैफ़ा कैसे हो, ये मिक्स होते हुए शक्ल देखो कैसी हो गई, मुंह में पानी, शक्ल देख मोटी हो गई थोड़ी सी गोश्त देख के। अभी हमारा गोश्त चलेगा फ्रिज में, ओके। अभी हम लोगों ने यहाँ पे चिकन भी ले लिया, चिकन का बारबेक्यू होगा। आरिस ये खा के देखो पक गई, चल। अभी इस वक्त हम लोग लगा रहे हैं चिकन पे मसाला, बड़ी मुश्किलात पैदा हो रही हैं यहाँ पे, इनसे मसाला तो खुल नहीं रहा है। बस बेटा सारा इसमें डाल, कितने किलो ले, ये 1 किलो नहीं 1.5 किलो के लिए, फिर पूरा क्यों डाल, पूरा नहीं डाला ना, देख लो मिनाज कैसे होता है, सीखो सीख लो मिनाज। हमने थोड़ी सी दही भी डाली है इसमें ताकि ना वो स्वाद आ जाए।
इस वक्त टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 12 और हमारे सारे लड़के हो चुके हैं, मिनाज, मैं, हुज़ैफ़ा और हमजा भाई, तो सब लोग हो चुके हैं। ज़ुबैर भाई मिसिंग है। ज़ुबैर, मैंने ग्रुप पे ना मैसेज कर दिया था कि पर बंदा 500,000 रुपये, तो वो लेके आ जाना। ज़ुबैर ने वो सीन करा और अभी तक फूल नहीं उठाया। असल में ना हम 2018 में जब बारहवीं करते थे ना, तो हमारा बजट क्या आता था, 150 रुपये और 200 रुपये से ज़ुबैर ज़ुबैर भाई 50 रुपये लेके आते थे और दो पोटियाँ लटका के लेके आ रहा होता था। ये अपनी चिकन पे भी प्रॉपर मसाले लग चुका है, दरवाजा बंद करो। ये हमारा बीफ है, ये हमारी चिकन भी आ गई। अब जब हमजा गोश्त हम लोग मसाले लगाएंगे ना, तो फिर यहाँ पे भी एक और हमजा गोश्त भी आ जाएगा। अभी हम लोगों ने यहाँ पे लाइट लगा ली है वहाँ से कनेक्शन लेके, और ये वाला कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास है जो हर लड़के किसी एक लड़के के पास होता है। ये तो ये मेरे पास है, कोयले वगैरह मैंने आधे जला लिए हैं। ये वहाँ पर सीखे वगैरह लगा रहे हैं और ऑलमोस्ट सीखे लग गई हैं, कोयले भी बस झलक गए हैं यहाँ पर। अभी पहले हम लोग दो सीखे लगाएंगे, क्योंकि हमजा कोयले साइड में करो, ये वाले देखो लग रहे हैं उस पर। क्या कह रहा है, साइड में तो करो, ये वाले बीच वाले दो हटा रहे हैं बस। ये आ गई अपनी एक सीख, ये आ गई अपनी दूसरी सीख। हवा दो यार ताकि ये घूम जाए। ये वाला अपना अभी दो सीख है, ये सिर्फ डेमो के लिए, जब पकेगी तो फिर देखते हैं कैसी बनी है। ये हमारा जो बंदा है ना, ये इतना काम चोर बंदा है। मैं अभी कोयले लगा रहा हूँ यहाँ पे और कह रहा है नीचे वो पेपर लगाने पड़ते हैं जब जलते। यार तुम ये ना बातें रहने दो। इस बंदे को हमने ना ये सिर्फ हवा मारने का दिया है काम, सिर्फ हवा मारने के लिए रखा है इसको हमने। ये लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं। हमने ना यहाँ पे दूध ला के भी रख लिया है, ताकि ना हम जब बारबेक्यू हमारी हो जाए फिर हम लोग ना चाय बनाएंगे यहाँ पे। हमारा हर साल का, हम लोग हर साल बारबेक्यू करते हैं और फिर एंड में ना हम लोग करते हैं चाय बनाने का सिस्टम, तो एंड में हमारी चाय भी बनेगी। अपनी ये दो सीखी हो गई हैं। अरे नॉम जॉट पॉट, हाँ हाँ हाँ, पानी से धो वॉश कर देखा, टाइट लग गई। एक तो खिलाया यार, एक हमजा भाई एक में से हाफ ऑफ कर लो। आ हा। अच्छा रिव्यू टाइट के बाजू मैं भी थोड़ा सा रिव्यू, वेल डन, बेहतरीन यार बेहतरीन। अच्छा मुंह में आती गुली मलाई बोटी। अबे भाई मैं बारबेक्यू का इंस्टीट्यूट शुरू कर रहा हूँ, तुम लोग अगर सीखना ना तो बता देना मुझे। अनस बेटा मैंने लगाया मसाला। ओ भाई बस कर दे, मैंने लगाया। अच्छा अभी वीडियो में मैं रीकैप चला दूंगा, आप फिकर नहीं करो। अभी इसमें मैंने कोयले और मिलाए, पिछले कोयले जो थे ना वो वाइट वाइट मतलब खत्म होने लग गए थे, तो ये उसकी हीट पे ना ये ऊपर वाले कोयले भी सही मतलब झलक जाएंगे। सीखे ले आमजा। लो भाई हुज़ैफ़ा ने चिकन भी लगा दिया। हुज़ैफ़ा भाई को समझ में नहीं आ रहा, उसने बीफ की जगह चिकन, अब हुज़ैफ़ा को क्या पता यार, बीफ की जगह चिकन लगा दिया। अपनी तीन सीखें और आ गई हैं, एक आ गई, ये दूसरी और ये तीसरी। हमजा दो और ले आओ। टोटल यहाँ पे 5 सीखें लगा दी हैं, ये अब बनती रहेंगी सही से ना। किलर इन द हाउस आफ्टर 3 डेज। यार हमने आपको परसों बुलाया था बारबेक्यू, आप 2 दिन बाद क्यों आ रहे हैं? हो गया था यार। ये बंदा पिछली बार वीक में इतनी जल्दी आ गए थे, इस बार इन्होंने इतना लेट कर दिया यार। मुझे लग रहा है कटिंग वटिंग कराने चले गए थे आप शायद। काम काम था। अच्छा हम लोगों ने यहाँ पे चिकन भी लगा दिया अभी, और हम लोग की यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक भी आ गई है, और चिकन की अभी सीखे काफ़ी बाकी हैं। ये 4 सीखे गए हैं, फिर बीफ भी है, फिर और बीफ भी है जो सीखों पर नहीं लगा हुआ, तो अभी अच्छा खासा माल है हमारे पास। यहाँ पर भी अपने पास थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है। ये हमजा भाई जब से मिनाज भाई को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, ये चिकन गई ऊपर से काली काली सी लग रही है मुझे जल के। यहाँ पे बस कुछ 3 सीखे बची हैं चिकन की, और ये एक और 4 रामजी भाई लगा रहे हैं, और यहाँ पे हमारा बीफ और चिकन दोनों रेडी हो गया। हाँ रामजी भाई देख के मज़ा आ रहा है आपको? बिल्कुल गंदी तरी, लेकिन यार मुझे तो मज़े की लग रही है, मैंने ट्राई भी करी है, तफरियाँ तो बहुत करी हैं। हमारा ये सारी बोटियाँ वगैरह तो बन गई है, अब हम इस कोयलों पे हमारा अपनी चाय बनाएंगे, पूरा पतीला ये ला रहे, फिर चाय बनाएंगे। पूरा पतीला रखो, पानी भी थोड़ा सा ले लो, अब इसमें दूध डालेंगे, पूरा ही डाल दो दूध, पूरा 1 किलो बचा के क्या करना। पानी का नमीर, पानी उठाओ। अरे मुझे लग रहा है दूध से हो जाएगा, बहुत दूध है ये है? पिछली बार से ऐसा दूध है वैसा, इसमें पता है थोड़ा सा डाल दो, 6 कप बन जाएगी यार। नहीं लेकिन हमें टाइम लगेगा खाने, तब तक पक जाएगा दूध, अपना पानी आ गया, तब तक पानी एवेपोरेट हो जाएगा। डाल दो और डाल दो, बस बहुत आ गया, पानी वाली चाय बन गई। और सब इसके ऊपर इसको ढक दो बस।
यही रख लो, यहाँ पे खाएंगे खाना। ये हमारी बोटियाँ भी है। चलो भाई विनाज भाई स्टार्ट कर। ये रोटियाँ हैं हमारी, मतलब पराठे। खाना यहाँ पे हम लोगों ने खा लिया और यहाँ पे ना सुबह का मौसम भी हो गया और हमारी चाय यहाँ पे बन गई है। नाना शुरू मैंने करी थी, ये नाम इनका हो रहा है यहाँ पर। यार मौसम भी टाइट हो रहा है। चाय नहीं पीता? अच्छा अच्छा अच्छा, ये भाई कॉफी बॉय, चाय कहाँ पियेंगे? ये ग्रीन टी। ग्रीन टी चाय हमारी यहाँ पे तैयार हो गई है। वो चावल अभी तो शुरू हुआ था भाई। अबे वो यही रामी भाई चाय वाले थे वो। ये बहुत है, फुल फुल निकाल दो। ये अपने घर के लिए भी रख रहे हैं रामेश भाई, ये घर के लिए भी रख रहे हैं। कट से आगे पिया। ये एक हीरो आए थे निकालने के लिए। कहा था मैं निकाल के दिखाता हूं। घर में इतने सालों चाय बनाई है यार। आदि तो क्या अभी क्या बने, इसको कांटेक्ट किया था कि आज से चाय तुम बनाओगे। आज तक कभी निकाल ली भाई मेरे तो मिल आ रहा है यार, नशा चल गया तो मार के सब लड़ रहे। आप चाय का नशा देखेंगे कितना इन लोगों सब लड़ रहे। ये सब ले ली, मुझे तो दे दे भाई। देखो देखो अबे ये क्या मिला है यार, ये क्या दिया। चाय अच्छी है। अरे रामेश भाई क्या कह रहे हो, इतने मजे की यार, टाइट। रामेश भाई ने भाई एंड कर दिया। वाह डेटा सुन के अच्छा लगा। वाह डेटा फोर क्या कर रहा है, एट उधर बाबा, ये सामने लगाए। मैंने चार ऐसी जवाब दे दिया टांगों ने, टांगों ने जवाब दे दिया। ये पुशअप्स क्यों नहीं? छोटे बच्चे हो क्या? बारबेक्यू हमारी खत्म हो गई, अब हम लोग सब लोग घर निकलेंगे। चलो भाई अब मैं करूँगा यहाँ पे अपनी एडिटिंग। खैर अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।